अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू HD। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ऐसी शानदार बिल्डिंग्स दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये बिल्डिंग्स कैसे बनाई गई। आज की वीडियो में दिखाई जाने वाली बिल्डिंग्स ऐसी ज़बरदस्त हैं जिनको देखकर आप बुर्ज खलीफा को भूल जाएंगे। बेशक बुर्ज खलीफा इनसे ऊंची तो ज़रूर होगी, मगर बुर्ज खलीफा टेक्नोलॉजी और खूबसूरती के लिहाज से इनके सामने कुछ भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एगोरा टावर ताइवान। ये बिल्डिंग ताइवान में वाक़ है। इस बिल्डिंग को फिजाई लूदगी को सामने रखकर बनाया गया है, इसीलिए इस बिल्डिंग में नीचे से लेकर ऊपर तक पौधे लगाए गए हैं। सब पौधों की वजह से इसको देखने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस बिल्डिंग में फलों और सब्जियों के पौधे भी लगाए गए हैं। जो लोग फिजाई लूदगी से बचना चाहते हैं वो यहाँ घर ज़रूर खरीदते हैं। 20 मंजिला इस इमारत में 40 इंतहाई खूबसूरत स्विमिंग पूल, जिम्स और स्पोर्ट की सहूलियात मौजूद हैं। कोरा टावर बिल्डिंग की छत पर सोलर सिस्टम भी लगाया गया है। इस बिल्डिंग को पूरी तरह से लग्जरी बनाया गया है। इसका फर्नीचर इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है। ये बिल्डिंग बाहर से और अंदर से इंतहाई शानदार है। इसकी तामीर की शुरुआत सन 2010 में शुरू की गई और 2017 में तैयार हो गई। नंबर 2, द डायनेमिक टावर। ये बिल्डिंग 2020 के शुरू में मुकम्मल हुई। ये बिल्डिंग दुबई के अंदर बनाई गई। इस बिल्डिंग को 360 के जावी पर घुमाया जा सकता है, जिससे ये बिल्डिंग हर वक्त घूमती रहती है। इसी वजह से ये बिल्डिंग देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। पहले बार इसको देखने से इंसान का दिमाग घूम जाता है कि आखिर इस बिल्डिंग में हो क्या रहा है। इस बिल्डिंग का नज़ारा तो रात को आता है, क्योंकि उस पर लगी कई तरह की रंग बिरंगी लाइट्स लगी होती हैं, जिससे ये बिल्डिंग घूमती है तो इसका नज़ारा बहुत ही अजीब और दिलकश महसूस होता है। फिर उस डायनेमिक टावर से आप दुबई के समुंदर और रेगिस्तान का भी नज़ारा कर सकते हैं। इसको बनाने की शुरुआत सन 2008 में हुई और इसको मुकम्मल 12 साल के अरसे में किया गया। नंबर 3, राइफल सिटी। ये बिल्डिंग चीन के शहर में बनाई गई। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 6 टावर्स को 28-28 मंजिला बनाया गया। इसके बाद इसके ऊपर गोल घूमता हुआ स्काईबो बनाया गया। इसकी लंबाई 300 मीटर है। इसके अंदर आपको स्विमिंग पूल्स, रेस्टोरेंट्स, जिम्स, क्लब्स और बहुत सारे बागात मिलेंगे। इसके ऊपर 3000 ग्लास पैनल, 5000 अल्मीनियम पैनल लगाए गए हैं। इस बिल्डिंग के अंदर लग्जरी होटल्स, दफातर्स, स्विमिंग पूल्स और शॉपिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। बाकी 2 टावर्स के ऊपर हेलीपैड बनाया गया है, जिस पर कोई भी VVIP इस बिल्डिंग के ऊपर अपना हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। इस बिल्डिंग को 2013 में शुरू किया गया और अब ये बिल्डिंग 2020 में मुकम्मल हो गई। ये वाकई में इंतहाई खूबसूरत और हसीन बिल्डिंग है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।